बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है, आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है? मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है सर। हमने वहां पे $3 अरब लगाए हैं और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनेक्साई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर एक मिनट। खोजी टीवी के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स गंवाने के बाद भारतीय मीडिया की चीखें आसमान तक बुलंद हो रही है। मोदी हुकूमत भी अब ढके छुपे अल्फाज में ये तस्लीम कर रही है कि अफगानिस्तान में हमारी सरमायाकारी बेकार गई। जनरल बख्शी और गौरव आर्य जैसे शिद्दत पसंद भारतीय सहाफियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और भारत की पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दी के कई एक सबूत मंजरेआम पर आने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी सरमायाकारी के बदले में तालिबान से पंगा लेगा और अजीत डोवाल और मोदी ने तालिबान के खिलाफ कौन सा खुफिया हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है? आज की हमारी इस वीडियो में इन्हीं खदशात को डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के साथ ही भारत के ख्वाब भी चिकनाचूर हो गए। भारत लगभग 20 सालों तक अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के पाकिस्तान मुखालिफ फैसला साजों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अफगानिस्तान में ऐसी तब्दीली भी आ सकती है जिससे इनके तमाम मकासिद खाक में मिल जाएंगे। ना ही भारत ने कभी यह सोचा था कि अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली इसके मुफादात को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी और बरसों की मेहनत जाया होने के बाद भारत भुखला गया है। अफगानिस्तान में नाकामी के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में बसने वाले मुसलमानों को निशाना बना रही है। तालिबान के इक्तदार में आने के बाद मुसलमान बीजेपी का हदफ है। भारत में मुसलमानों के लिए मुसलसल जमीन तंग हो रही है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन नरेंद्र मोदी की जेरे सरप्रस्ती भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के खतरात बढ़ गए हैं। बीजेपी के नुमाया सियासतदान तालिबान को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे रहे हैं। हिंदुत्व के फलसफे को आम करने वाली नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी मुसलमानों और तालिबान के खिलाफ मनफी और बेबुनियाद खबरों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैशटैग गो टू अफगानिस्तान चला रही है। दरपर्दा चाल के मुताबिक ये ट्रेंड हैशटैग गो टू पाकिस्तान की अगली किस्त है। प्यारे साथियों, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश हुकूमत वहाँ मौजूद मरकज देवबंद को दहशतगर्दी का मरकज करार देते हुए मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां बनाने में मसरूफ है, जबकि मशहूर मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी को भी मुकदमात में उलझाया जा रहा है। नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार मुसलमानों की मजहबी आजादी के भी दुश्मन बन गए हैं। तबलीगी जमात को कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार देने जैसे इकदाम मजहबी आजादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का असल चेहरा यह है कि वहां हिंदुओं के अलावा किसी को मजहबी आजादी तो दूर की बात, आजादी इजहार की सहूलत भी हासिल नहीं है। मुसलमानों के कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जज्बात उभारने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। काबिले एतबार और आलमी शोहरत के हामिल माहरीन के मुताबिक भारत में मुस्लिम नस्ल कुशी का खतरा है। भारत में जुल्म तशद्दुद, नाइंसाफी और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वालों पर तालिबान का हिमायती होने का इल्जाम आयद किया जाता है। बीजेपी के सियासतदानों ने तो तालिबान को दहशतगर्द कहना भी शुरू कर दिया है और अब अफगानिस्तान में तालिबान की आमद से इन मामलात में शिद्दत पसंदी देखने में आ रही है। अंदरूनी नुक्ते के मुताबिक भारत ने 2001 से ही अफगानिस्तान में अपने मुस्तकिल पांव जमाने और अपने खुफिया अजायम के हसूल के लिए नेटवर्क्स तरतीब दे रखे थे और इन नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, अफगान फोर्सेस की तरबियत और दीगर मंसूबों पर तकरीबन $3 अरब की सरमायाकारी करके भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। नाज़रीन ग्रामी, भारत और अफगानिस्तान के हवाले से आम खबर यह भी है कि मोदी सरकार अब ये तस्लीम कर रही है कि इनकी सरमायाकारी डूब चुकी है और इन्हें अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान की आमद के बाद से मोदी सरकार ने अपनी आवाम से यह झूठ बोला था कि अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी महफूज है और तालिबान भारत से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों से भारतीय न्यूज एंकर्स सरमायाकारी डूब जाने का रोना रो रहे हैं और जनरल बख्शी समेत
मेजर गौरव आर्या और भारत के दीगर मारूफ सहाफी ऑन द रिकॉर्ड ये तस्लीम कर रहे हैं कि भारत की अफगानिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी गर्क हो चुकी है और अब भारत चाहकर भी इस नुकसान का अजाला नहीं कर सकता। जबकि शिद्दत पसंद भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान तालिबान की मदद से भारत में तखरीबी कार्रवाइयां करेगा, क्योंकि पाकिस्तान माजी में भारत पर यह इल्जाम आयद करता रहा है कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि भारत ने हमेशा शरंगेजियों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करके अक्वामे मुत्तहिदा के मंशूर के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी कर रखी है, जिनमें वियना कन्वेंशन के आर्टिकल नंबर 4/2, आर्टिकल नंबर 41/3 और सलामती काउंसिल की 2001 की करारदाद नंबर 137 की खिलाफवर्जियां शामिल हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत के साथ तालिबान नए हुक्मरान हैं और मोदी हुकूमत के लिए भारतीय अजायम को शिकस्त हुई है। खोजी टीवी के हमसफर दोस्तों, ये बात हकीकत है कि भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते के खिलाफ अपने मकरू अजायम के लिए दाएश और टीटीपी अनासिर को प्रॉक्सी हथकंडों के तौर पर इस्तेमाल किया है। अफगान फोर्सेस की तरबियत की आड़ में भारत ने दाएश और टीटीपी अनासिर को तरबियत दी और ये भी मालूमात है कि तकरीबन 300 अफराद इस वक्त भारत में तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस मकसद के लिए पाक अफगान सरहद के साथ मुख्तलिफ भारतीय कौंसुलेट कायम किए गए, जिन्हें भारत का खुफिया इदारा रा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर कंट्रोल और इस्तेमाल करता था। भारत ने गुरुद्वारों पर हमलों, लाहौर और गवादर धमाकों जैसी दहशतगर्द सरगर्मियां अंजाम दी ताकि पाकिस्तान की साख और पाक चीन तालुकात को नुकसान पहुंचाया जा सके। भारतीय फौज के अफसर कुलभूषण यादव ने अफगानिस्तान से कंट्रोल और प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी की कई सरगर्मियों का एतराफ किया है। भारत मुसलसल अफगानिस्तान में एक स्पायलर के तौर पर काम करता रहा, जो अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाने की खातिर मुआहदों की खिलाफ वर्जी और तालिबान अमरीका मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए अशरफ गनी हुकूमत पर भी असरअंदाज हुआ। और ये बात भी दुनिया जानती है कि भारत अपने मकरू अजायम की तकमील के लिए मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों का साथ दे रहा है। तालिबान की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, खवातीन और बच्चों को टारगेट करने, लड़कियों की तालीम, रोजगार और मुख्तलिफ अनासिर को सजाए मौत देने के हवाले से नाम निहाद इल्जामात पर मबनी झूठे प्रोपेगेंडे में भी भारत ही मुलव्वस है। भारत ने यह तासुर देने की भी कोशिश की कि तालिबान हुकूमत के कयाम से दाइश जैसी तंजीमों की दहशतगर्द सरगर्मियों से इलाकाई और आलमी अमन को खतरा होगा। भारत की तरफ से ये सारे इकदामात सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबे में नाकामी की बुनियाद है। भारत अफवाज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है और झूठी और बेबुनियाद खबरों के जरिए दुनिया में पाकिस्तान की साख खराब करने की कोशिशें कर रहा है। प्यारे दोस्तों, भारत एक तरफ दुनिया को दाइश का झूठा खतरा दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत खुद अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ है। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो भारत की दहशतगर्दों की सरप्रस्ती और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर फौरी रद्द अमल का मुजाहरा करे। कारोबारी या माली मुफादात इंसानी जान से ज्यादा अहम या कीमती नहीं हो सकते। आलमी बिरादरी अपने माली मुफादात की वजह से भारत की मनफी सरगर्मियों को नजरअंदाज करती है और क्या ये इंसाफ के तकाजों की धजियां बखेरने के मुतरादिफ नहीं है? इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।